नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत जाहिर तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन, मुंबई में कल इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक होगी। इंडिया अलायंस का लोगो प्रदर्शित किया गया है। अगले दो दिन मोर्चे की आगे की रणनीति पर मंथन होगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में कल दो बड़ी राजनीतिक बैठक होंगी। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुक्ति की बैठक, महाराष्ट्र में एनडीए दलों के नेता शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन रद्द हो गया है। विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए थे, समिति ने निलंबन रद्द करने की सिफारिश की थी। चौथी बड़ी खबर, मायावती के अकेले लड़ने पर बोले शरद पवार, मायावती की बीजेपी से बातचीत चल रही है। शरद पवार ने कहा, लगता है मायावती बीजेपी के साथ हैं, शरद पवार ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे पर बोले उद्धव ठाकरे, हमारे पास पीएम पद के लिए कई पसंद हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी के पास कोई चेहरा बचा है क्या, ये पूछा उन्होंने। इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे पर राघव चड्ढा का बयान, केजरीवाल पीएम पद की रेस में नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा, पीएम पद के लिए इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए, राघव चड्ढा ने यह कहा। एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता का बयान, ममता बनर्जी ने कहा लोकसभा में खेला होगा। ममता बनर्जी आगे बोली, बहुत सारी सीटें आएंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, न्यायपालिका पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बोले जुडिशरी में भयंकर करप्शन हो गया, कई वकील तो जजमेंट भी लिखकर ले जाते हैं, गहलोत ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में 31 अक्टूबर तक एस्मा लागू, हड़ताली कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी, डीसी ऑफिस कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी।